नमस्कार दोस्तों, मैं देव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपकी इस पाठशाला में। टुडे आई विल टीच यू रेल टॉपिक, और रेल से संबंधित सवाल मैं आज आपको कराऊंगा हिंदी में, जैसा कि हमेशा हिंदी में होती है हमारी पाठशाला। और आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनके अंदर मैंने डाला है, और थोड़ा सा कोशिश करूँगा कॉन्सेप्ट को कवर करने की। और इसके बाद मेरे एक और टॉपिक, एक और वीडियो बनाऊंगा रेल के ऊपर, जो कि ऐसी होगी जैसी आज की है, उसमें भी कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश करूंगा मैं। और उसके बाद अगर कुछ मुझे ज़रूरत लगती है तो पार्ट 1 टू पार्ट 2 इस तरीके से मैं आपके सामने इस सीरीज़ को लेकर आऊँगा, रील को लेकर। तो इम्पोर्टेंट है SSC CGL दिल्ली पुलिस सी ग्रेड और बी ग्रेड के एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहले समझना है आपको रील संबंधी प्रश्नों को आज। अगर आप लोगों ने हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू हैव टू टाइप फॉर दिस, इट्स www.youtube.com/friendseducation। फ्रेंड्स एजुकेशन इज द नेम ऑफ आवर चैनल। और अगर आप हमें सब्सक्राइब करते हैं तो हम जो भी बनाएंगे उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा आपके पास। फेसबुक पर भी आप हमें लाइक करते हैं, दिस इज आवर फेसबुक पेज www.facebook.com/friendseducation। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसका सबसे पहले कुछ दिनों पहले ही उसका नोटिफिकेशन एज ए कमिंग सून, और जो भी मैं अपलोड करने वाला होता हूँ उसके बारे में मैं फेसबुक पे पहले से ही बता देता हूँ। और दूसरी बात कि फेसबुक पे आप हमारे PDF फॉर्मेट में भी लिंक को फाइंड कर पाते हैं जो भी मैं GK में वीडियो अपलोड करता हूँ। और आपके शिकायतों का, सुझावों का मैं स्वागत करता हूँ अपनी इस ID पर, इट्स आपका फ्रेंड्स एजुकेशन एट gmail.com। गूगल पे भी आप हमें फाइंड करते हैं, मेरे जो भी वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल होते हैं सारे के सारे गूगल पे बाय डिफॉल्ट G+ पे मिलते हैं। और वो है उसका एड्रेस है www.google.com/+friendseducation। तो सवालों को करें आसानी से, लेट्स गो फॉर टुडे क्लास। आज की क्लास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको ये जो 6 नियम लिखे हैं मैंने, ये 6 नियम आपको मालूम होने चाहिए। और उसके बाद एक छोटा सा फॉर्मूला है जो मैंने इसमें लिखा नहीं है, दैट से चाल बराबर दूरी बटे समय। ये सबको याद होता है, स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो सबसे पहले रट्टा मारते हैं हम लोग पहले, जब कोई ट्रेन किसी खंभे को, पेड़ को, मील के पत्थर को, किसी आदमी को पार करती है तो वह केवल अपनी दूरी तय करती है। भाई एक ट्रेन है, एक ट्रेन जब भी किसी आदमी को, आदमी की कोई लंबाई नहीं होती, किसी मील के पत्थर को, किसी खंभे को पार करती है तो वो सिर्फ केवल अपनी दूरी तय करती है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आदमी, मील का पत्थर, पेड़, खंभा, इन सबकी वास्तव में अपनी कोई लंबाई नहीं होती। भाई अगर एक पत्थर को ट्रेन पार करके जा रही है तो उस पत्थर की कोई लंबाई तो नहीं है, बस ट्रेन आगे पहुंच गई, पत्थर पार हो गया। यानी कि इस पत्थर को पार करने के लिए इस पूरी ट्रेन को इसके पत्थर के आगे जाना होगा, यानी कि इस ट्रेन को बस अपनी दूरी तय करनी होगी। अगर ये दूरी तय करके यहाँ से इस पत्थर को पार करके यहाँ पहुँच जाती है तो सिर्फ वो अपनी दूरी तय करती है, पत्थर की दूरी तय करने, पत्थर की कोई दूरी नहीं होती है। सेम थिंग्स विद पेड़, अगर पेड़ होगा यहाँ पर, मान लीजिए पेड़ है कोई बना हुआ और ये ट्रेन है, ये ट्रेन अगर इस पेड़ को पार कर लेती है तो सिर्फ वो अपनी दूरी तय करती है। यानी कि ऐसी चीज़ें जिनकी अपनी खुद की लंबाई नहीं है, ट्रेन अगर उसको पार करती है तो सिर्फ वो अपनी दूरी तय करती है। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। तो जब भी कोई ट्रेन किसी खंभे को, पेड़ को, मील के पत्थर को, किसी आदमी को पार करती है तो वो केवल अपनी दूरी तय करती है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद चलता हूँ मैं सेकेंड थिंग में। सेकेंड चीज़ क्या कहती है, जब भी कोई ट्रेन किसी ट्रेन को, यानी किसी अन्य ट्रेन को, गुफा को, या फिर प्लेटफॉर्म को, किसी सुरंग को, गुफा को पार करती है तो अपनी प्लस उसकी दोनों की दूरी तय करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए ये एक प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे एक ट्रेन है, ठीक है। अब अगर मैं इस ट्रेन को उठा के यहाँ रख देता हूँ, सपोज की जगह ट्रेन चल के यहाँ से यहाँ पहुँच गई तो इस ट्रेन ने अपनी दूरी तय कर ली। अगर यहाँ पर कोई पत्थर होता तो इसका मतलब इस पत्थर को पार कर लिया, लेकिन पत्थर को पार नहीं करना था, अब बात करनी इस प्लेटफॉर्म की, इस प्लेटफॉर्म को पार करना है। और ये है आपकी ट्रेन, समझना थोड़ी राइटिंग मेरी बेकार है, ड्राइंग भी बड़ी बेकार है। तो अभी क्या था, ये जो ट्रेन थी वो एक पत्थर को पार करती है और ये ट्रेन है, तो पत्थर को पार किया लेकिन इस पूरे प्लेटफॉर्म को पार करना है,
इस ट्रेन को सिर्फ यहाँ आने से काम नहीं चलेगा, इस ट्रेन को बेसिकली कहाँ होना होगा, इस ट्रेन को यहाँ होना होगा। तो यानी ट्रेन करती क्या है, ये ट्रेन अपनी दूरी जो तय करती है यहाँ तक आती जाती है, साथ में प्लेटफॉर्म की दूरी भी तय करती है। तो यानी कि ऐसी जितनी भी चीज़ें जिनकी अपनी खुद की लंबाई है, ये थोड़ा सा तंग कर रहा हूँ आपको, एग्जांपल जो मैंने बताया आपको अगर समझ में आ गया तो दैट्स गुड। भाई ये प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन है, ये भी ट्रेन है, ये भी ट्रेन है, इसी एक ट्रेन की बात कर रहा हूँ मैं। ट्रेन इस ट्रेन को उठा के मैंने यहाँ रख दिया, सपोज करेगा ट्रेन ये जो ट्रेन है ये चल के यहाँ पहुँच गई, इसका मतलब उसने सिर्फ अपनी दूरी तय करी, यहाँ से वो यहाँ पहुँच गई। लेकिन अपनी दूरी तय करने से कुछ नहीं होगा, जब वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी दूरी साथ में प्लेटफॉर्म को भी पार करा, ये जो प्लेटफॉर्म है ये भी खत्म हुआ, यहाँ तक आने में तो उसने अपनी दूरी तय कर ली है, साथ में इसके आगे पहुँच रही है, यानी कि साथ में प्लेटफॉर्म की दूरी भी पार करी है, अपनी पार करी और उसको भी पार किया। अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको रट्टा मारना है। रट्टा मारने के लिए क्या करना है, जब भी कोई चीज़ जिसकी अपनी खुद की लंबाई है, चाहे वो प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो गुफा हो, चाहे वो सुरंग हो, चाहे मतलब कोई भी ऐसी चीज़, चाहे वो कोई पुल हो, जिसकी अपनी खुद की कुछ लंबाई है, तो जब भी ट्रेन इसको पार करेगी अपनी दूरी प्लस में वो जो दूसरी चीज़ है अदर थिंग्स उसकी दूरी दोनों तय करेगी। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पुल को, किसी सुरंग को, किसी गुफा को पार करती है तो अपनी दूरी प्लस उसकी दूरी तय करती है। बात समझ में आ गई है, दोनों दूरियां प्लस हो जाएंगी। तीसरी बात बड़ी काम की, जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में जाती हैं तो स्पीड घट जाती है। जैसे मान लीजिए ये ट्रेन है कि जा रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और ये भी ट्रेन है ये जा रही है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, दोनों जा रहे हैं इसी दिशा में, यानी कि ये भी इसी दिशा में और ये भी इसी दिशा में। तो ऐसे केसेस में जो चाल होगी, अगर मैं कहता हूँ वो उसको कितनी देर में पार करेगा, जो भी है इन दोनों से जुड़े सवाल होंगे, तो उसके अंदर आपको जो स्पीड है ये 10 किलोमीटर या 8 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर स्पीड निकल के आएगी आपको, ये मैं बताऊँगा आपको बाद में। और जो स्पीड होती है किलोमीटर प्रति घंटा में होती है, ये बात मालूम होनी चाहिए आपको। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है 2 किलोमीटर, मतलब जब भी आपकी दो ट्रेनें हैं और एक ही दिशा में जा रही हैं तो स्पीड आपकी घट जाएगी। और यही सेम सवाल अगर 10 किलोमीटर से ट्रेन जा रही है और 8 किलोमीटर से ये ट्रेन जा रही है, लेकिन ये जा रही है इधर और ये जा रही है इधर, तो चालें जुड़ जाएंगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यही बात कहता है फोर्थ पॉइंट, जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में जाती हैं तो स्पीड जुड़ जाती है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल नॉट, इट्स अ पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ज़्यादा मज़ेदार जा रही है, पता होना चाहिए। कई बार सवाल एक नंबर का आता है और जिसको ये बात पता होती है वो आराम से कर लेता है। किसी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। एग्जांपल के तौर में 36 है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर मैं इसकी गुणा 5/18 में करता हूँ तो 18 × 36 10 मीटर प्रति सेकंड आ रहा है, ध्यान रखना है आपको। और वही मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करनी होती है। इसको समझने के लिए कभी आप जैसे मान लीजिए किलोमीटर है, ये घंटा है आर्स, इसको अगर आप मीटर बदलने के लिए 1000 से भाग कर देंगे, इसको आप सेकंड बनाने के लिए 3600 से भाग कर लेंगे, इन दोनों की कहानी को अगर आप सॉल्व करेंगे तो दैट विल बिकम 5/18 और कुछ अपोजिट साइड में करेंगे 18/5। तो इस तरीके से 18/5 आता है अगर आपको समझना हो तो। लेकिन फिलहाल के लिए मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 गुणा करते हैं। एग्जाम्पल के तौर में अगर 20 मीटर प्रति सेकंड गिवन है तो 20 की गुणा में करूँगा 18/5 में, तो 72 निकल के आए। अब आप इसको पेपर में भूल ना जाएं, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। भाई जब कोई भी चीज़ बड़ी कब होती है, जैसे मान लीजिए ये 10 है, 10/8 की बात करता हूँ, ये चीज़ बड़ी कब होगी, जब ऊपर बड़ा हो। 8/10 और 10/8 में कौन सा बड़ा है, बड़ा है 10/8 वाला। कैसे पता है, क्योंकि भैया ऊपर 10 है, जब ऊपर ज़्यादा बड़ा होता है और नीचे छोटा होता है तो चीज़ बड़ी है, जब ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो नीचे तो ये छोटा होगा। तो अब आपको ध्यान देना है आप करने क्या जा रहे हैं, मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ समझने के लिए, ताकि पेपर में आप 5/18 की जगह 18/5 और 18/5 की जगह 5/18 ना कर दें। कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को चीज़ रट जाती है, याद हो जाती है, बट वो पेपर में जोश के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ जहाँ गुणा करनी होती है 5/18 की, वहाँ वो गुणा कर देता है 18/5 से, जहाँ करनी है 18/5 से वहाँ गुणा कर देता है 5/18 से। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है, मैं समझाता हूँ कैसे, ताकि आपको याद रहे।
भाई किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है, ये हम जानते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा क्या होता है? बड़ा होता है। बड़े को आप छोटा बनाने जा रहे हैं मीटर प्रति सेकंड में। जब आप छोटा बनाने जा रहे हैं तो छोटे से गुणा करेंगे, छोटे से का मतलब ऊपर आएगा 5, नीचे आएगा 18। भाई 5/18 छोटा होता है या 18/5 छोटा होता है? 5/18 छोटा होता है। भाई किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाने जा रहे हैं आप, तो छोटा बनाने जा रहे हैं, इसलिए 5/18 से गुणा करिए। और मीटर प्रति सेकंड को आप बड़ा बनाने जा रहे हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने जा रहे हैं, तो 18/5 से गुणा करेंगे। एग्जाम्पल गिवन है, चलते हैं सवालों की ओर। अब जैसे इस फिगर में आप देख रहे हैं, एक ट्रेन किसी खंभे को पार करने जा रही है तो सिर्फ वो अपनी दूरी तय करेगी। इस सवाल के अंदर जैसे इस फिगर के अंदर दो ट्रेनें एक ही समय जा रही हैं तो चाल घट जाएगी। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं सवाल की ओर। मैं सिर्फ सवाल पढ़ूंगा, आप इस पॉइंट्स को जो लाइन है ये आप आराम से पॉज करके पढ़ते हैं। इसी पॉइंट के ऊपर एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी खंभे को 30 सेकंड में पार कर जाती है, गाड़ी की लंबाई कितनी है? अच्छा, इस सवाल को जब भी ऐसे सवाल करें आप, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको एक फॉर्मूला लिखना है। और फॉर्मूला क्या है? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर है दूरी बटे समय। सबसे पहला काम आपको ये करना है इन सवालों को जब भी करें। अब आपको देखना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, चाल कितनी हो गई 60, दूरी कितनी है, दूरी तो निकालनी है भाई, गाड़ी की लंबाई कितनी है। भाई जब भी कोई ट्रेन किसी खंबे को, किसी आदमी को, मील के पत्थर को पार करती है तो सिर्फ वो अपनी दूरी तय करती है। यानी कि यहाँ पे दूरी की बात कर रहा है तो ट्रेन की दूरी की बात कर रहा है, गाड़ी की लंबाई की बात कर रहा है। तो दूरी का दूरी रहने दीजिए और समय कितना है 30 सेकंड में पार कर जाती है। अब आपको ध्यान यहाँ देना है, ये सेकंड में गिवन है और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा में गिवन है। तो जब भी किलोमीटर प्रति घंटा में और बात सेकंड की हो रही है, आप 5/18 से गुणा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं उसको बना रहा हूँ मीटर प्रति सेकंड में। अभी मीटर प्रति सेकंड में है और ये सेकंड में, इसलिए ऐसा किया मैंने। 6 से काटते हैं, 6 3 18, 6 10 60। 3 से काटते हैं इसे, 3 10 30, तो 10 5 50 और 50 10 100। तो दूरी आ गई हमारे इस तरीके से 500, 10 5 50, 50 10 500 मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, सवाल को पढ़ना है और समझना है कि एक खंबा गिवन है, खंबे को पार कर रही है ट्रेन, तो सिंपल सी बात है भैया, वो सिर्फ अपनी दूरी तय करेगी। दूरी यहाँ पर ट्रेन की लंबाई से है, हमने दूरी निकाला है और पूछ रहा है गाड़ी की लंबाई कितनी है, तो दूरी ही उसकी गाड़ी की लंबाई है। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं जब भी कोई ट्रेन किसी खंबे को, मील के पत्थर को, आदमी को पार करती है तो वो सिर्फ अपनी दूरी तय करती है। और सेकंड में समय गिवन था इसलिए मैंने क्या करा, किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड बना लिया। चाल बराबर दूरी बटे समय, द आंसर इज इन मीटर, 500 मीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, दे रहा है 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है जो भी है, एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी? सबसे पहला काम क्या करना है आपको, चाल बराबर है दूरी बटे समय। सबसे पहला काम, चाल गिवन है 60, हाँ जी गिवन है 60, दूरी वो अपनी दूरी तय करेगी, इस बार गिवन है दूरी 30 मीटर, तो मैंने 30 मीटर लिख लिया। समय निकालना है, इस बार समय कितनी देर में पार कर लेगी, समय को मैंने मान लिया टी। अब ये ध्यान रखना है आपको, 300 मीटर है दूरी बट चाल किस में गिवन है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 5/18 से मैं इसको भाग गुणा कर दूंगा ताकि ये बन जाए किस में, मीटर प्रति सेकंड में। 6 3 18, 6 10 60, 10 से 10 कट गई, 5 6 30, तो 3 यहाँ बचा, 6 यहाँ बचा, T यहाँ बचा, तो T का मान आ गया आपका 6 3 18, और सेकेंड्स में आएगा क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18 सेकेंड इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 18 सेकेंड में पार कर लेगी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को कितनी देर में, कितने समय में पार कर लेगी? भाई सबसे पहला काम तो वही करना है आपको, चाल बराबर दूरी बटे समय। सबसे पहला काम भाई, 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 54 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है और 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी? सबसे पहली बात तो चाल है आपकी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, मैंने आपको बताया था जब भी दूरी, जब भी एक ट्रेन
किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो वो मान लीजिए प्लेटफॉर्म है यहाँ पर एक, तो अपनी दूरी साथ में उस प्लेटफॉर्म की दूरी दोनों तय करेगी। बताया था मैं आपको प्लस दोनों दूरियाँ प्लस हो जाती हैं, तो एक की दूरी है 160 और एक की दूरी है एडमिशन। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 160 और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 200। बटे में कितनी देर पार कर लेगी टाइम निकालना है, ये मीटर में ध्यान रखना है आपको, बट चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो यहाँ मैंने 5/18 से गुणा कर दी, तो मोटा मोटा इसे मैंने काट दिया 18 3 54, 3 5 15 हो गए। 15 बराबर होते हैं 200 में, अगर मैं 160 जोड़ूंगा तो इट विल बिकम 360 बटे में टी। काट देते हैं 15 2 30 और 15 4 60, 24 सेकेंड में पार कर लेंगी ट्रेन प्लेटफॉर्म को। 24 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले सवाल की ओर। भाई सिंपल सी बात है, इसके अंदर जब भी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी दूरी साथ में प्लेटफॉर्म दोनों की दूरी तय करेगी। और मैंने आपको बताया था इस सवाल के अंदर कि जब भी सवाल को करो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल थी 54 54 लिख ली, दूरी थी क्योंकि दोनों की दूरी प्लस होने वाली है प्लेटफॉर्म को पार करेगी भी, तो ये भी और ये भी दोनों जोड़ लिए। मैंने बताया था आपको जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को सुरंग को गुफा को पार करती है तो अपनी दूरी प्लस उसकी दोनों की दूरी तय करती है, तब पार होता है वो। तो यहाँ दोनों की दूरी इस तरीके से मैंने क्या करा, दोनों की दूरी को जोड़ दिया। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। और बस किलोमीटर प्रति घंटा में गिवन है तो आपको मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुणा करके बनाना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार 30 किलोमीटर प्रति घंटा व 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, मिलने के कितने बाद वे एक दूसरे को पार कर लेंगी। भाई एक ट्रेन है ये, और एक ट्रेन है ये, दोनों मिल गई यहां पर, बस इनकी पटरियां अलग अलग हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ये जा रही है इधर और ये जा रही है इधर, तो कहता है जी दोनों की चाल गिवन है, दोनों की दूरियां गिवन है ट्रेनों की, और कहता है बताओ ये एक दूसरे को कितनी देर में पार कर लेंगी। इसका मतलब ये ट्रेन पहुंच जाएगी इधर और ये ट्रेन पहुंच जाएगी इधर, तभी ये दोनों एक दूसरे को पार कर लेंगी। सबसे पहले आपको करना क्या है, इसके अंदर लिखना है फॉर्मूला चाल बराबर दूरी बटे में समय। सबसे पहला काम तो हमें यही करना होता है सवाल के अंदर। अब मैंने आपको बताया जब भी दो ट्रेनें विपरीत दिशा में जाती हैं तो चालें जुड़ती हैं, जब एक दिशा में जाती हैं तो घटती हैं, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है विपरीत दिशा में तो जुड़ेगी है। तो चाल लिख लेता हूँ मैं 42 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, ये हो गया आपके 72 किलोमीटर। ये 72 कहाँ से आया जी, यह है 40 माफ़ कीजिएगा 42 प्लस में 30 72 किलोमीटर। दूरी कितनी है 126 प्लस में 114, इनको जोड़ देता हूँ मैं 6 4 10 के 0 से लगे 1 2 1 3 3 1 4 1 और 1 2 2 40 बटे में टाइम कितना है, टाइम ही तो निकालना है कितनी देर में एक दूसरे को पार कर लेंगी। बस ये ध्यान रखना आपको ये मीटर में है और ये किलोमीटर में, तो इसको मैं अगर 5/18 से गुणा कर लेता हूँ तो इट विल बिकम इन मीटर प्रति सेकेंड। 18 चौके 72, 5 चौके होते हैं 20, मैं डायरेक्ट 20 से काट रहा हूँ इसको, 20 एकम 20 और 20 दूनी 40, 12 सेकेंड में वो एक दूसरे को पार कर लेंगी। 12 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भाई जब दो ट्रेनें एक दूसरे को विपरीत दिशा में जाती हैं तो जुड़ती हैं, सबसे पहले फॉर्मूला लिखा मैंने चाल बराबर दूरी बटे समय। भाई सबसे पहले इन सवालों के अंदर यही करना होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल गिवन थी कितनी, दो ट्रेनें हैं, एक की 42 और एक की 30, दोनों विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो दोनों को मैंने यहाँ जोड़ दिया 72, सिर्फ 72 किलोमीटर लिखा है। इक्वल दो ट्रेनें 126 और 14, ट्रेनों की लंबाई भी जुड़ जाती है 240। अच्छा ये मीटर में था, टाइम मुझे निकालना है, तो मैंने किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर दिया, तो मैंने 72 को 18 से भाग किया तो 18 चौके 72, 4 5 20 और 20 से काटा पिटी करके 12 आ गया, एंड 12 इज द आंसर। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, 500 मीटर और 300 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः 47 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं, की चाल से समांतर पटरियों पर समान दिशा में चल रही हैं, कितने समय में वे दोनों ही दूसरे को पार कर लेंगी। समान दिशा में जाने का मतलब वो एक ही दिशा में जा रही हैं, तो सबसे पहला काम चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अच्छा चाल कितनी है,
चालू ने आपको बताया दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, ध्यान रखना है आपको। जब एक ही दिशा में ट्रेनें जाती हैं तो चाल घट जाती है। तो 65 में से मैं 47 को घटाऊंगा, तो 15 में से 7 गए 8 और 5 में से 4 गया 1, यानी कि चाल हो गई 18 किलोमीटर। दूरी है, दूरी आपकी जुड़ेगी 500 है एक और एक है 300, तो 500 300 हो गए 800, 800 मीटर, 800 मीटर हो गए। और टाइम आपको निकालना है, बट ध्यान ही हाई रखना है कि जो 800 मीटर है वो मीटर में है और जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए मैं 5/18 से गुणा कर दूंगा, तो 18 से 18 पूरा का पूरा कट गया। और अगर मैं 5 से इसको काटता हूँ तो 5 एकम 5, 3 बजे 5 इंक 30 और 0, तो 160 सेकेंड्स में वे एक दूसरे को पार कर लेंगी। सबसे पहला चाल बराबर दूरी बटे समय, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, ध्यान रखना है। जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगी तो चालें घट जाएंगी। एक की चाल थी 47 और एक की चाल थी 65, तो 65 में से 47 मैंने घटाया, तो 65 में से 47 घटाने के बाद आपका आया 18, 18 किलोमीटर चाल हो गई, 18 ये रहा। उसके बाद दोनों ट्रेनों की लंबाई को जोड़ दिया, 500 + 300 800, 800 और बटे में टाइम, चाल और दूरी बटे समय, लेकिन ये मीटर में था। चाल को भी मैंने मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दिया, तो इस तरीके से फाइनली 160 आया। 160 आंसर है इस सवाल का। चलते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट वन इज 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 58 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। इसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहे व्यक्ति को यह रेलगाड़ी कितनी देर में पार कर लेगी? भाई अब तक फिलहाल क्या है, एक ट्रेन है, जिसका धुआं निकल रहा है मान लीजिएगा, जिसके पहिए, एक ट्रेन है जो 58 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है। अच्छा, इसी दिशा में चार, ये इसकी लंबाई 110 मीटर, ध्यान रखना है आपको। अच्छा, इसी दिशा में एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की एक आदमी है, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, 110 मीटर लंबाई है और ये आदमी यहाँ पर मान लीजिए जो भी है, तो ये ट्रेन इस आदमी को कितनी देर में पार कर लेगी? तो सबसे पहला काम, चाल बराबर है, देयर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम वंस अगेन, आई ट्राई टू रिसॉल्व इट। तो चाल चाल बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो चाल आपके गिवन है यहाँ पे 18 58। अब आपको ध्यान देना है इसी समय जा रहा है। देखो भाई, जब दो ट्रेनें एक ही समय में जाती हैं, चाल माइनस हो जाती है, यहाँ पे ट्रेन की जगह एक आदमी है, जा तो एक ही समय रहे हैं तो भी चाल आपकी माइनस हो जाएगी। तो इस तरीके से चाल हो गई आपकी कितनी, 54 किलोमीटर। बराबर डिस्टेंस कितना है, आदमी की कोई लंबाई नहीं होती है, सिर्फ ट्रेन की लंबाई है, तो इट इज 110। और वो कितनी देर पार कर लेगी, टाइम निकालना है टी, बट ये मीटर में है और ये किलोमीटर में, तो उसको मैं 5/18 से और गुणा कर दूंगा, तो 18 3 54, मोटा मोटा 5 3 15, 15 इक्वल है 110 बटे में टी, तो टी इक्वल हो जाएगा 110 बटे में 15, 5 3 15, 5 2 10, 5 2 10, और फिर अगर मैं इसको से भाग करता हूँ तो 3 7 21 और 1/3 सेकेंड्स में पार कर लिया जाएगा, किसको, उस व्यक्ति को, रेलगाड़ी के द्वारा। तो 7 से 1/3 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले सवाल की ओर। छठा सवाल, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी? सेम पहले ऐसा सवाल है भाई, ट्रेन है, इसका धुआं निकल रहा है सपोज कीजिएगा जी, ठीक है। अच्छा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेन जा रही है और यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है, वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है,
लेकिन वो आदमी जा रहा है इधर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, क्योंकि लिखा है इसमें विपरीत दिशा में। तो आदमी चल रहा है इधर और ट्रेन चल रही है इधर, तो कितनी देर में पार कर लेगा? सबसे पहली बात, द सेम फॉर्मूला, स्पीड इक्वल है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड कितनी गिवन है इसके अंदर, भाई 30, ये रहा 30 किलोमीटर ट्रेन की है, 6 किलोमीटर किसकी है, आदमी की। 30 से हो गया आपके 36 किलोमीटर, बराबर डिस्टेंस कितना, 120 मीटर, और क्योंकि आदमी की कोई दूरी नहीं होती है, टाइम निकालना है आपको। सेम कहानी, ये मीटर में है और 1 किलोमीटर, तो 5 बटे 1800 में गुणा कर दूंगा, 18 दूनी 36, 2 पंचे 10, 10 से मैं 120 को काटता हूँ, 12, तो 12 सेकेंड में पार कर लेगी ट्रेन उस आदमी को। नेक्स्ट वन इज, समान लंबाई की दो रेलगाड़ी अलग अलग चालों से, समान लंबाई की दो रेलगाड़ी अलग अलग चालों से खंबे को 5 और 7 सेकंड में पार करती है। यदि दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में चलें तो एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी या पार कर सकेंगी? समझना आपको सवाल को थोड़ा ध्यान से। भाई समान लंबाई की दो रेलगाड़ी हैं, एक खंबे को 5 सेकंड में और एक को 10 सेकंड में पार कर लेती है। ये दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में चले तो वे एक दूसरे को कितनी देर में पार कर लेंगी? इसके लिए आपको एक जुगाड़ है, ट्रिक समझ के करना है आपको। जब भी एक ही दिशा में चले गाड़ी, एक ही दिशा में चले, तो एक फॉर्मूला आपको पुट अप करना है। वो फॉर्मूला है 2 × T1 जो पहला वाला है टाइम, और T2 दूसरा टाइम, बटे में जब एक ही दिशा में हो तो आपको करना है माइनस, दैट्स इट, T1 − T2। अगर ये ऐसा होता विपरीत दिशा में तो ये आपको रट्टा मारना है फॉर्मूला। इसे जुगाड़ कैसे हैं आप, या ट्रिक बोलते हैं, 2 × T1 × T2, बटे में जब विपरीत दिशा, तो इजी हो जाएगा जैसा पहले था, विपरीत दिशा में चालें जुड़ती थी, यहाँ टाइम जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे है क्या, ये आपको देखना है कि एक ही दिशा में है या अलग अलग दिशा में। यहाँ पे क्या रहा है, ये एक ही दिशा में है। सवाल को समझो पहले आप, समान लंबाई की रेलगाड़ी है पहचान, अलग अलग चालों से एक खंबे को 5 सेकंड और 7 सेकंड में पार करती हैं। ये दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में चलें तो वे एक दूसरे को पार करने में, एक ही दिशा में चलें तो कितने समय में पार कर लेंगी? तो एक ही दिशा में है, सिंपल सी बात है, करते हैं सवाल को, 2 × 5 × 7, बटे में 7 में से 5 गए, 2 जो भी बड़ा है उसमें से लेस करना होता है, तो 2 आ गए। ये 2 कहाँ से आ गए, ये आपको ध्यान रखना है, 7 − 5, दोनों सालों का अंतर है, T1 सॉरी दोनों टाइमों का अंतर है, तो 2 से 2 कट गए, 7 × 5 = 35, तो 35 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जब भी एक ही सामने हो तो यहाँ माइनस आएगा, जब भी सामने हो तो प्लस में आएगा। अगला सवाल, एक रेलगाड़ी खंबे को 15 सेकंड में तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? भाई एक रेलगाड़ी है, सेम रेलगाड़ी खंबे को तो पार करती है 15 सेकंड में, भाई खंबा है, इस खंबे को तो पार कर लिया 15 सेकंड में, लेकिन जो 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है इसको पार करने में टाइम लगाती है वो 25 सेकंड, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है ये आपको बताना है। सबसे पहला काम मैं जानता हूँ, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। भाई जब वही ट्रेन है, जब इसको पार करती तब भी वही स्पीड है, और जब इसको पार करती तो भी स्पीड है। तो फिलहाल मैं बात करता हूँ पहले वाले की, स्पीड 1 की बात करता हूँ। तो स्पीड 1 में क्या है, डिस्टेंस आपको गिवन है क्या? भाई डिस्टेंस तो गिवन नहीं है, क्योंकि खंबे को पार कर रही है और रेलगाड़ी की लंबाई मालूम नहीं है। तो मैंने मान लिया डिस्टेंस को डी, और टाइम कितना है, वो पार करती है 15 सेकंड में, ये बात तय हो गई। अच्छा अगली बार एक और स्पीड की बात हो रही है, बट स्पीड सेम है दोनों की, जिस स्पीड से वहाँ जा रही है उसी स्पीड से यहाँ भी जा रही है, प्लेटफॉर्म को पार करती है 25 सेकंड में। तो जब भी प्लेटफॉर्म को पार करेगी अपनी दूरी तो तय करेगी, करेगी जो ट्रेन की दूरी है, ट्रेन की दूरी कितनी डी, और प्लस में वो प्लेटफॉर्म की दूरी भी तय करेगी। तो ये हो गई, स्पीड दोनों जगह सेम है,
स्पीड जब दोनों जगह सेम है तो मैं दोनों को इक्वल रखता हूँ, यानी कि जो डी बटे 15 है ये और डी प्लस 100/25 दोनों एक है, तो एक जगह मैं दोनों को बराबर लिख सकता हूँ। दोबारा बता रहा हूँ, रेलगाड़ी है जो खंबे को 15 सेकंड में पार कर लेती है तथा तो 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को वो 25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है ये बता रहा है। तो भैया स्पीड अपॉन में डिस्टेंस अपॉन में टाइम, पहली बार बात करता हूँ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस मेरे को मालूम नहीं क्योंकि वो खंबे को पार कर रही है तो सिर्फ वो अपनी दूरी तय कर रही है, अपनी दूरी को मैंने उसको मान लिया डी, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। दोबारा स्पीड की बात कर रहा हूँ, अब वो एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी और प्लेटफॉर्म को जब भी पार करेगी वो अपनी दूरी तय करेगी करेगी, साथ में प्लेटफॉर्म की दूरी भी तय करेगी, और डिस्टेंस प्लस में 100 100 क्या है, 100 इज द लंबाई ऑफ प्लेटफॉर्म बटे 25 सेकंड इज टाइम। तो स्पीड वन स्पीड टू दोनों बराबर है क्योंकि चाल तो दोनों जगह सेम है, तो मैं दोनों को बराबर लेता हूँ, डी बटे 15 इक्वल है डी प्लस में 100/25। तो जो करता है काट दीजिए, 5 3 15, 5 5 25, 3 6 गुणा कर देता हूँ मैं इसकी, हो गया 5D। डी फॉर डिस्टेंस से बराबर है, इधर गुणा कर देते हैं 3D प्लस में 300, तो ये 3D इधर पहुँच जाएंगे, 5D में से जब जाएंगे तो बचेंगे 2D इक्वल है 300 के। तो फिर इस तरीके से डी का मान 300/2 यानी कि आपका 150। तो 150 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 150। अगर आपसे बाद में चाल पूछे तो आप चाल भी निकाल सकें, इट विल बी इजी, कहीं भी आप पुट अप कर दें, जैसे मान लीजिए जब ट्रेन की लंबाई आ गई आपकी 150, तो इस 150 को आप यहाँ भी पुट अप कर सकें, 150 अगर आप 15 से भाग करोगे तो योर आंसर विल बिकम इन चाल, यहाँ भी पुट अप कर सकें आप डी को, अगर मैं 150 होता हूँ 150 प्लस 100, तो 250 250 को मैं 25 से भाग करके निकालता हूँ, तो 100 आ रहा है वैसे चाल। क्वेश्चन नंबर 9th, एक रेलगाड़ी, अच्छा सवाल है, एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। सेम पहले की सवाल है, बस पहले एक आदमी को, पहले एक जगह वो एक किसी खंबे को पार कर रही थी और एक जगह एक प्लेटफॉर्म को, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो एक तरफ तो पार करती है वो 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को और एक जगह पार करती है वो 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो स्पीड सेम वही, सबसे पहला काम तो आपको वही करना होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और स्पीड दो जगह बात हो रही है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड जिस स्पीड से यहाँ आ रही है उसी स्पीड से यहाँ आ रही है। पहले बात करता हूँ पहले वाले की, तो जब भी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी वो ट्रेन, तो साथ में क्या होगा, वो अपनी दूरी तो तय करेगी करेगी, जो मैं डी मान लेता हूँ, मान लीजिए डी है दूरी उसकी, और साथ में प्लेटफॉर्म की दूरी है कितनी, 162। यहाँ पे जो डी शो कर रहा है वो टोटल दूरी को शो कर रहा है, यहाँ पे जो डी लिखा है मैंने माना है कि उस ट्रेन की लंबाई है, इसमें इस तरीके से डी डी डैश कर देता हूँ ताकि ईजी हो जाए, ये डिस्टेंस को शो करता है टोटल, बट यहाँ पे डी वन वो शो कर रहा है सिर्फ ट्रेन की लंबाई को, इस ट्रेन की लंबाई को मैंने प्लेटफॉर्म में जोड़ दिया, क्यों, क्योंकि प्लेटफॉर्म को जब भी पार करेगी वो अपनी दूरी तय करेगी, साथ में प्लेटफॉर्म की दूरी भी तय करेगी, ऐसा हमने पॉइंट में ऊपर पढ़ा है, और टाइम कितना लेती है वो 18 सेकेंड। अच्छा, और यहाँ पे क्या है, स्पीड दोबारा बात करते हैं, तो 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तय कर रही है, तो यहाँ पे भी जो स्पीड आ रही है वो अपनी दूरी तो तय करेगी करेगी, डी डैश, डी डैश क्या है, ट्रेन की खुद की लंबाई बटे में उसकी, बटे में प्लेटफॉर्म की लंबाई 120, और तय करती है वो 15 सेकंड में। अच्छा, अब सवाल ये बनता है कि ये स्पीड और ये स्पीड दोनों को सेम स्पीड से तय कर रही है, स्पीड तो चेंज नहीं हुई उसकी, यानी कि दोनों सेम है, डी प्लस 162/18 इक्वल है डी, ये डैश है, डैश मानिए ना मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही जैसे हैं क्योंकि वो ट्रेन की दूरी है, डी प्लस 162 डी प्लस 120/15, कुछ करता है तो काट दीजिए, जैसे मैं काटता हूँ उसको, 3 6 18 3 5 15 गुणा कर दीजिएगा, यहाँ से मैं गुणा करता हूँ तो डेट से 5D प्लस में 5 2 10 0 5D प्लस में 5 2 10 0 ऐसे लगे, 5 6 30 और 31 1 ऐसे लगे, 3 5 5 और 3 810 बराबर है, इधर मैं गुणा करूँगा 6 की, तो 6D प्लस में 12 6 72 720, आपको पहाड़े तो 20 तक तो आने चाहिए कम से कम, 21 22 23 29 का भी आना चाहिए, और 1 से 30 तक की क्यूब और 1 से 50 तक की स्क्वायर्स, कम्पिटिटिव एग्जाम्स को ईजी बनाने के लिए, ताकि आप और उसे थोड़ा जल्दी कर सकें, तो जो प्लस वाले एक तरफ ले लीजिए बिना, इट मीन्स डी वाले एक तरफ और बिना डी वाले एक तरफ, तो 6D में से जब 5D जाएंगे तो 1 बचेगा 1D, और 810 में से जब 720 घटाएंगे आप तो 0 के 0 11 में 2 के 9 और 7 में 7 के 0 90,
तो डी का मान आ गया आपका 90, तो 90 लंबाई है ट्रेन की, तो 90 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अगला सवाल, दो व्यक्ति एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो उसी दिशा में दौड़ती हुई रेलगाड़ी उन दोनों को क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर जाती है। यदि व्यक्ति की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। अच्छा सवाल है ये, बहुत बेहतरीन सवाल भाई। सबसे पहला काम तो आपको करना होता है स्पीड अपॉन में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। पहले बात करता हूँ मैं, इधर दो व्यक्ति एक ही समय दौड़ रहे हैं भाई, एक आदमी है वो भी इधर दौड़ रहा है और दूसरा आदमी है वो भी इधर दौड़ रहा है, ठीक है, और उन दोनों को क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर जाती है एक ट्रेन जो उसी दिशा में दौड़ रही है, ठीक है, दोनों को पार कर लिया, एक को 9 सेकंड में एक को 10 सेकंड में। यदि व्यक्ति की चाल क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो, एक आदमी जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और एक आदमी जा रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ट्रेन क्या करती है, एक को तो 9 सेकंड में पार कर लेती है और एक को पार करती है 10 सेकंड में। ये सवाल है, तो बताओ जी रेलगाड़ी की चाल क्या है। सवाल अच्छा है, एक एक करके मान के चलते हम लोग। पहले बात करता हूँ पहले वाले की, भाई डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ट्रेन की स्पीड की बात हो रही है, डिस्टेंस उसने कितना तय किया नहीं मालूम, तो डी को डी मान लीजिए, बट ये मालूम है कितनी देर में पार कर लेती है, 9 सेकंड में पार कर लेती है भाई। ट्रेन एक आदमी को 9 सेकंड में पार करती है, और जब भी ट्रेन किसी आदमी को पार करती है जिसकी खुद की चाल है, जिसकी अपनी खुद की चाल है, ध्यान रखना है, जब भी आपको दो चाल गिवन हो, जब भी आपको दो चाल गिवन हो, चाल वन और चाल टू, और दोनों एक साथ जुड़ी हैं, तो या तो उनको जोड़ना है या उनको घटाना है, बट जोड़ना कब होगा, जब वो विपरीत दिशा में जाएँ, और घटाना कब होगा, जब वो अलग अलग दिशा में जाएँ। तो वो यहाँ पे आपको जोड़ना होगा, तो एक्स प्लस, तो यहाँ पे दैट इज ए, अगर मैं एक्स मान लूँ उसको चाल को, तो उस आदमी की चाल है 5, तो इस तरीके से एक्स प्लस 5 हो गया ये, और बराबर है डी बटे 9 के, गुणा कर देते हैं इससे, 9x प्लस 9 5 45 बराबर है किसके, डी के। यहाँ बात करता हूँ मैं ज़रा, अब दूसरी ट्रेन के साथ, ट्रेन तो वही है बट आदमी चेंज हो गया, मतलब जिसको पार कर रही है, जिसको 10 सेकंड में पार कर रही है वो, तो उसकी चाल चाल तो वही रहेगी एक्स, बट इस बार जो चाल है आदमी की वो है 9 किलोमीटर, पहले थी 5 किलोमीटर, दूसरा आदमी है, एक्स प्लस 9 ये चाल है, दूरी कितनी है, दूरी नहीं मालूम है, तो दूरी को आप वही सेम करेंगे डी बटे में, लेकिन टाइम आपको गिवन है कितने सेकंड में पार करती है, सेकंड वाले को, वो सेकंड वाले को पार करती है 10 में। मैं दो बार लेके चल रहा हूँ सवाल को, एक बार पहले वाले आदमी को पार करती है वो 9 सेकंड में, दूसरे वाले को पार करती है 10 सेकंड में, बट पहले वाले आदमी की चाल थी 5 किलोमीटर, दूसरे वाले आदमी की चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल बराबर एक्स प्लस 5 किया था मैंने, अगर ध्यान हो आपको, एक्स प्लस 5 क्योंकि पहले वाले आदमी को पार कर रही है 9 सेकंड में, चाल बराबर दूरी बटे समय, पहले आदमी की बात कर रहा हूँ, तो पहले आदमी की चाल थी 5, ट्रेन की चाल मैंने मान लिया एक्स, जब भी दो चाल गिवन होंगी या तो प्लस होगा माइनस होगा, तो मैंने यहाँ प्लस किया, तो और अब एक्स प्लस 9 यहाँ पे 9 वो पार करता है कितने सेकंड में, 10 सेकंड में, तो 10 लगा दिया। अगला काम, ये मीटर प्रति सेकंड में है और वो भी मीटर प्रति सेकंड में है, तो यहाँ पे मैं 5/18 कर देता हूँ, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर आपको, यहाँ 5/18 कर देता हूँ, तो कर देते हैं हिसाब इसका, फिलहाल मैं फिलहाल गुणा कर देता हूँ इसकी, इसकी मैंने गुणा कर दी, यहाँ 5/18 और बचा हुआ है, ये आप और मान के चलो 5/18, इसकी मैंने गुणा नहीं करी है, लेकिन हाँ मीटर प्रति सेकंड में निकाल दिया मैंने इसको, सेम कहानी यहाँ पर, गुणा कर देते हैं, अगर कुछ करता है तो ठीक है, फिलहाल मैं वैसे ही करता हूँ, 10 की ऊपर गुणा कर देता हूँ इससे, 10x प्लस में 10 वही है 90 बराबर है किसके, ये बराबर है डी के, और साथ में यहाँ भी क्या है 5/18 जिसको मैंने छेड़ा नहीं है, ये भी डिस्टेंस था, ये भी डिस्टेंस था, और ट्रेन की लंबाई दोनों केसेस में बराबर रहने वाली है, तो मैं दोनों को बराबर रख देता हूँ, यानी कि 9x प्लस में 45 साथ में था 5/18
इक्वल है 10x, 10 में 90, 7 में 5 बटे 18, तो 5 बटे 18 से 5 बटे 18 कट गया, इसकी कहानी ख़त्म हो गई। अब हम सॉल्व करते हैं, और दूसरों को 10x को ही रहने दीजिए और 9x को इधर ले आइए, यानी कि 10x माइनस का 9x इधर है 45, थोड़ा सा पंगा हो रहे हैं, यहाँ माइनस का साइन क्यों आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है यहाँ पर, और इट भी मेरे से कुछ मिस्टेक्स हो गई हो शायद, और लेट्स सी, देखता हूँ ज़रा मैं कहाँ हो रही मिस्टेक्स। कई बार छोटी छोटी गलतियाँ जो बड़ा रूप ले लेती हैं और दिक्कत करती हैं सालों में, तो इसमें छोटी सी गलती ये है कि आपको समझना है ध्यान से जो हमसे मिस हो गई है, और वो गलती ये है कि सवाल में पहले दिया हुआ है दो व्यक्ति एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, दो व्यक्ति एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो उसी दिशा में दौड़ती हुई रेलगाड़ी उन दोनों व्यक्तियों को क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर लेती है। पंगा गलती हमसे ये हुई है कि जो व्यक्ति दौड़ रहे हैं एक ही दिशा में, उसी दिशा में ट्रेन भी दौड़ रही है, यानी कि जब वो ट्रेन इसके साथ जब इसको पार करेगी तो भी इसकी दिशा में चली गई, और जब वो इसको पार करेगी तो भी इसी दिशा में चली गई, यानी कि चल रहा है काम एक ही दिशा में। तो जब एक ही दिशा में चलेगा काम, तो मैंने आपको बताया था जब चाल एक ही दिशा में हो तो आप चाल माइनस होती है, जब विपरीत दिशा में ट्रेन जाती है या कोई भी चीज़ें जब विपरीत दिशा में जाती हैं तो जुड़ता है, बट जब एक ही दिशा में हो तो माइनस होगा। तो यहाँ पे जो मैंने चाल को प्लस कर रखा है ये माइनस होगा, बस ये आपको ध्यान रखना है, दैट्स से बिगर मिस्टेक जो आपसे ना हो एटलीस्ट। तो यहाँ पर आपका 9x-45 इससे 5 बटे 18 से 5 बटे 18 कट गया था, तो फिर यहाँ पे करना है कि आपको एक्स वाले एक तरफ बिना एक्स वाले एक तरफ, तो 9x यहाँ पर बचा है, 9x में से अगर मैं प्लस वाले 10x को यहाँ लेके आता हूँ तो इट विल बिकम माइनस का 10x, बराबर है किसके, यहाँ बचा है सिर्फ 90, ध्यान रखना आपको 90 बचा है यहाँ पर 90, और ये जो माइनस का 90 है ये माइनस का 45 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 45 हो जाएगा, तो यहाँ बचा माइनस का x और यहाँ बचा माइनस का 45, ध्यान देना आपको थोड़ा सा, इस माइनस से माइनस कट गया तो फाइनली बचा क्या 45, 45 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 45 चाल है रेलगाड़ी की। एक बार दोबारा समझाने का प्रयास करता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा हो सा पंगा हो सवाल के अंदर जो समझ में ना आया हो, कई जगह हुआ है कि तो ये मिस्टेक निकल के आई थोड़ी सी मेरी बात में, मैं समझाता हूँ भाई। दो व्यक्ति हैं एक ही समय दौड़ रहे हैं, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, ध्यान देना है आपको, जब एक ही दिशा में दौड़ते हैं चालें घटती हैं, तो उसी दिशा में दौड़ती हुई रेलगाड़ी उन दोनों को क्रमशः 5 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर जाती है। भाई इसको आप दो तरीके से करो, एक बार एक आदमी के लिए और एक बार एक आदमी के लिए, जब इस आदमी को पार किया डिस्टेंस अपॉन में टाइम स्पीड वही है, तो ये उसकी चाल ट्रेन की और वो उस आदमी की चाल 5 किलोमीटर, एक ही समय जा रहे हैं तो चालें घट जाती हैं, चाल ये है दूरी बटे समय, तो एक्स माइनस पाँच 5 बटे 18 मैंने इसलिए किया ताकि मीटर प्रति सेकंड में आ जाए, क्योंकि ये सेकंड में किया उन्होंने इसलिए मैंने किया ये। सेम वही काम, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल मैंने मानी ट्रेन की एक्स और 9 मैंने लेस कर दिया, क्यों 9 लेस कर दिया, क्योंकि 9 चाल है दूसरी वाली आदमी की, तो 5 बटे 18 से इसलिए गुणा करी ताकि वो मीटर प्रति सेकंड में आ जाए, बिकॉज 10 सेकंड सेकंड में की बने डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है दूरी जो दोनों केस में बराबर रहने वाली है, क्योंकि रेलगाड़ी की चाल वही है, आदमी को पार करेगी तो सिर्फ अपनी दूरी तय करेगी, तो इस तरीके से 5 बटे 18 को मैंने ज़्यादा छेड़ा नहीं ताकि वो आराम से बाद में कट जाएँ, बस सिर्फ 9 से गुणा कर दी, 9x-9 में 45, 5 बटे 18 अभी भी यहाँ पर गुणा में है, और डी वही है तो डी का मान आ गया। सेम यहाँ पे मैंने किया है 10 से गुणा कर दी 10x-10 से वही है 90, 5 बटे 18 अभी भी वैसे लिखे हुए हैं बराबर है डी के, तो डी बराबर ये और डी बराबर ये डिस्टेंस, क्योंकि ट्रेन की दूरी वही रहेगी, इन दोनों को मैंने फिर यहाँ बराबर लिख दिया, यानी कि 9x-45 × 5 बटे 18, 5 बटे 18 चाहे शुरू में है हो या लास्ट में बातें की है, तो ये चीज़ यहाँ से निकल के आ गई, ये
और ये डी इसके इक्वल है, ये मैंने बराबर ले दिया। 5 बटे 18 जो शुरू में लास्ट में ले दिया मैंने यहाँ पर 10x-90, 10x-90 5/18, 5/18 से 5/18 कट गया। यहाँ बचा 9x-45 और एक्स वाले एक तरफ बिना एक्स वाले एक तरफ, तो 9x ये रहा, ये प्लस का 10x जब उधर जाएगा तो माइनस का 10x बन गया, बराबर है। यहाँ बचा था माइनस का 90, और जब प्लस का, जब ये माइनस का 45 जब उधर आएगा तो बन जाएगा प्लस का 45, जो कि प्लस का 45 यहाँ बन गया। तो 10x में से जब 9x जाएंगे तो माइनस का x बचेगा, और यहाँ जब माइनस 90 में से प्लस का 45 जाएगा तो माइनस का 45 बचेगा। तो माइनस से माइनस मैंने काट दिया, प्लस बन गए थे वो, तो इस तरीके से एक्स का मान आया 45। 45 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आज का जो टॉपिक है वहीं कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, कीप वॉचिंग कीप लर्निंग। आप सपने देखने शुरू कीजिए और उन्हें पूरा कीजिए हमारे साथ, फ्रेंड्स एजुकेशन। थैंक यू सो मच, आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में।